आज हम जा रहे हैं राइकल, तो वहाँ पे हम खाएंगे डिनर करेंगे हम वहाँ पे, तो वहाँ पे मज़ा आने वाला है। वहाँ पे तो झूले भी होते हैं बच्चों के लिए। ये देखिए हम रेडी हो गए हैं। आप रेडी हो गए? तो गाइस वो हमने ईद की पार्टी भी की थी मेरे फ्रेंड्स और मैंने, हमें वहाँ पे बहुत मज़ा आया था। तो जैसे कि आज स्टार्ट किया लारैब ने व्लॉग का और आपको सबको वेलकम किया। आज ही ईद का थर्ड डे है और हम जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ डिनर करने इधर अपनी एरिया में जो हमारा जायका रेस्टोरेंट है। और जी ये जाते हुए कि मैंने थोड़ी सी क्लिप्स शूट किए हैं, माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और जी ये करीब ही है हमारे इधर, तो इसलिए हमने सोचा कि हम पैदल चले जाते हैं, थोड़ा मौसम भी इंजॉय हो जाएगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और गाड़ी पे जाने के बजाय ज़रा थोड़ा पैदल चल लिया जाए तो वो सेहत के लिए भी अच्छा है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट पे जायका भाई खाना खाने के लिए, बट जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो इधर ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश था और काफ़ी टाइम तो पहले हमें वेट करना पड़ा कि टेबल वगैरह का अरेंज करके दिया उन्होंने हमें, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब ये सब सीट्स और सब टेबल्स बुक थे और सब लोग बैठे हुए थे तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा और उसके बाद फिर जी उन्होंने हमें अरेंज करके दिया, सेट करके टेबल भी लगा के दी, चेयर भी, और फिर अब हम बैठे हैं। लेकिन ऑर्डर इन्होंने बच्चों ने भी कर दिया, मिलके हमने ऑर्डर कर दिया, बट काफ़ी टाइम हमें वेट करना पड़ा बहुत ज़्यादा क्योंकि रश भी काफ़ी लगा हुआ है और वेट हमें इतना करना पड़ा कि अब ये हालत देख लें आप हंजला की कि खड़े होके किस तरीके से वेट कर रहे हैं ये। अब जैसे ही उन्होंने सैलेड पहले आके सर्व किया तो इनको बच्चों को इतनी भूख लगी हुई है कि हंजला से ज़रा भी सब्र नहीं हुआ, उसने जल्दी से खाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने देखा कि आप प्लेट्स आ जाएं, वो प्लेट्स सर्व कर दें फिर आप लोग खाना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसलिए इनका हाल देखें, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और इनसे वेट नहीं हो रहा कि जल्दी से हमें खाना मिल जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप इस साइड से ज़रा वीडियो शूट करें, बट वो वीडियो शूट कर रहे थे लेकिन लाइट की थोड़ी मतलब वो थी, पीछे से लाइट आ रही थी, उसका शेड पड़ रहे थे तो वो वीडियो सही तरीके से शूट नहीं हो पा रही थी। तो फिर इधर से मतलब देखें वो सेट क्लियर नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने यहाँ से शूट की तो यहाँ से माशाल्लाह से सेट आ रही है और हम दोनों भी सही तरीके से नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रश है और जी अभी तक हमारा खाना नहीं पहुंचा और बच्चे और इनके बाबा थोड़ा थोड़ा से वो सैलड को खा रहे हैं, उसके साथ थोड़ा गुजारा कर रहे हैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा भूख फील कर रहे हैं और काफ़ी मतलब वो टेंस हो रहे हैं कि कब आएगा। फाइनली जी हमें भी प्लेट्स मिल गई और जी अब बच्चों ने ये खाना मतलब पहले ऐसे ही उसमें से ले रहे थे, अब प्रॉपर तरीके से इन्होंने अपनी अपनी प्लेट्स में लिया और अब ये खाना मतलब ले रहे हैं ये सैलेड के। जब तक खाने का वेट कर रहे हैं तो फिर हम सैलेड से ही थोड़ा गुजारा कर लें क्योंकि सैलेड पहले आ जाता है तो फिर बच्चे ज़रा उससे खा लेते हैं थोड़ा। हंसरा आप क्यों रो रहे हो, इधर देख के बताओ। तो जी मेरे तो बच्चों से वेट ही नहीं हो रहा था और छोटे दोनों रोना स्टार्ट हो गए कि हम काफ़ी देर से बैठे हैं क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इनको भूख लग रही थी इसलिए दोनों छोटे रोना स्टार्ट हो गए।
तो जी अब इनका वेट हो गया ओवर, फाइनली खाना भी आ गया और माशाल्लाह से इनका फेवरेट ही खाना हमने ऑर्डर किया था, तो अब ये खाना खाएंगे। तो जी अब देखें इनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ चुकी है कि भी चले फाइनली बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद हमारा खाना पहुंच गया, क्योंकि वैसे ऐसे होता नहीं है, बट ईद का थी तो फिर रश भी काफ़ी हो रहा है, तो इस वजह से खाना थोड़ा मतलब रूटीन से हट के ज़रा लेट हो गया। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm करूंगी अपने व्लॉग का एंड। तो आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और अपने घरों में आबाद रहें, और एक बार यूँ ही हंसते मुस्कुराते जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।